पिछले कुछ सालों में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से एक बात हमें हमेशा सुनने को मिलती है कि बीजेपी अमीरों की सरकार है, अंबानी अडानी की सरकार है, ये सिर्फ अमीरों के लिए काम करती है। तो आज हम जानेंगे कि क्या बीजेपी अमीरों की सरकार है या नहीं, और ये जानने के लिए आज हम भारत के दूसरे सबसे बड़े अमीर इंसान गौतम अडानी जी की बढ़ती हुई इनकम के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इनकी इनकम बढ़ने के पीछे बीजेपी है या फिर इनकी हार्डवर्क। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप जानेंगे गौतम अडानी जी की इनकम सोर्स के बारे में सब कुछ, 2014 से पहले उनकी इनकम कितनी थी और इस समय कितनी है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू, और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहां पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको एडवांस एमएस एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ, और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। गौतम अडानी इस समय भारत के दूसरे सबसे अमीर इंसान है, अडानी ग्रुप इन्हीं का है। गौतम अडानी के बहुत से बिजनेसेस हैं, जैसे कि अडानी पावर, अडानी गैस, अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड तो भारत की लार्जेस्ट प्राइवेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी है। अडानी ग्रुप के 50 कंट्री में 70 लोकेशंस में ऑफिसेज हैं। साल 2020 में अडानी ग्रुप का रेवेन्यू 1.1 लाख करोड़ रुपीस, लगभग 15 बिलियन डॉलर था। गौतम अडानी जी की नेटवर्थ की बात करें तो जुलाई 2020 तक इनकी नेटवर्थ 25.2 बिलियन डॉलर्स थी, पर फरवरी 2021 तक आते आते इनकी नेटवर्थ 37 बिलियन डॉलर्स हो गई है। गौतम अडानी की बढ़ती इनकम को देख के आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये सब मोदी के चलते हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप में से शायद बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि गौतम अडानी मेरे और आपके जैसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। गौतम अडानी ने अपनी किस्मत अपनी मेहनत से बनाई है। उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर खुद अपना रास्ता बनाने का फैसला किया। उनके इस फैसले से उनके पिता कतई खुश नहीं थे, लेकिन अपनी धुन के पक्के गौतम अडानी ने वही किया जो उन्होंने करना चाहा। साल 1978 में ग्रेजुएशन के दूसरे साल में गौतम अडानी जी ने कॉलेज छोड़कर सबको चौंका दिया। जेब में सिर्फ 100 रुपए लेकर अडानी सपनों की नगरी मुंबई पहुंचे। यहाँ उन्होंने अपनी पहली नौकरी महिंद्रा ब्रदर्स में मिली। यहाँ उनका काम हीरे छाटना था। 2-3 साल नौकरी करने के बाद गौतम अडानी ने मुंबई के ज्वेलरी मार्केट जावेरी बाजार में डायमंड ब्रोकरेज का काम शुरू किया। फिर उसके बाद 1981 में अपने बड़े भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद में प्लास्टिक यूनिट का काम शुरू किया, और फिर 1988 में अडानी इंटरप्राइजेस खोली। अडानी की किस्मत तब चमकी जब 1991 में भारत में हुए एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म अनाउंस हुए। अडानी इंटरप्राइजेस ने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद 1994 में गुजरात की सरकार ने मुंद्रा पोर्ट की मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया, और 1995 में ये कॉन्ट्रैक्ट अडानी इंटरप्राइजेस को मिल गया। उस समय ये कॉन्ट्रैक्ट गुजरात में रूलिंग गवर्नमेंट कांग्रेस ने अडानी को दिया था। जी हाँ, आपने सही सुना, अडानी को पहला कॉन्ट्रैक्ट कांग्रेस ने दिया था। 1995 में अडानी ने अडानी पोर्ट कंपनी खोली, और फिर 1996 में अडानी पावर कंपनी खोली, और ये सब कांग्रेस के टेन्योर में हुआ, और आज ये दोनों कंपनी अपने अपने फील्ड में नंबर वन है। 2001 में जब बीजेपी की सरकार गुजरात में बनी थी तब तक गौतम अडानी एक अमीर इंसान बन चुके थे। 2001 के बाद से गौतम अडानी अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड बढ़ाने लगे। 2009 से 2012 के बीच में अडानी ने ऑस्ट्रेलिया के एबॉट पॉइंट पोर्ट और क्वींसलैंड के कार्मिकल कोल को एक्वायर किया। 2008 में इंडोनेशिया के बुनियो माइन को एक्वायर किया। 2010 में अडानी ग्रुप को ओडिशा में माइन राइट्स मिले, और 2010 तक अडानी ग्रुप इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट कोल माइनिंग कंपनी बन गई थी। कांग्रेस के 10 साल के टेन्योर में अडानी को 21,000 करोड़ रुपए के 10 प्रोजेक्ट मिले थे। साल 2013 में जब कांग्रेस का टेन्योर खत्म हो रहा था तब उस समय के कांग्रेस के यूनियन मिनिस्टर एम वीरप्पा मोली ने अडानी ग्रुप को 13,000 करोड़ रुपए के 2 और प्रोजेक्ट दिए थे। तो इससे एक बात साफ होती है कि अडानी ग्रुप को कांग्रेस के टेन्योर में काफी प्रोजेक्ट मिले थे, पर इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि पिछले कुछ सालों में अडानी ग्रुप को कुछ ज्यादा ही इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। अभी हाल ही में देश में 5 जगह पावर प्लांट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट मिला है। एविएशन सेक्टर में एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद अडानी ग्रुप को 6 एयरपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट मिल गए हैं। तो देखा जाए अडानी ग्रुप को कांग्रेस और बीजेपी दोनों के टेन्योर में बहुत से प्रोजेक्ट मिले हैं, और दोनों ही सरकारों ने अडानी ग्रुप को खूब प्रोजेक्ट दिया है, पर इन दोनों सरकारों की राजनीति में अडानी फंस गए हैं। और ऐसा आपको भारत के हर बिजनेसमैन के साथ होता हुआ दिखेगा। कांग्रेस बोलेगी कि ये बिजनेसमैन बीजेपी को सपोर्ट करता है, और बीजेपी बोलेगी कि ये बिजनेसमैन कांग्रेस को सपोर्ट करता है, और इन चक्करों में बिजनेसमैन फंसता जा रहा है। देखो, बिजनेसमैन का काम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है। उनको देश में किसकी सरकार है इससे कोई लेना देना नहीं होता है। वो सिर्फ सरकारों की पॉलिसी देखते हैं, और उन पॉलिसी को देख के वो अपनी पॉलिसी बनाते हैं। पर पॉलिटिक्स के चक्कर में पड़ के आप लोग भी इन्हें गाली देने लगते हैं, जबकि हम सबको पता है कि इन बिलियनर्स का हमारे देश की इकॉनमी में कितना योगदान होता है।
कितनों को तो ये लोग नौकरी देते हैं, इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स पे करते हैं। देखो मैं मानता हूँ कि हर बिजनेसमैन अच्छा नहीं होता है, पर बेफिजूल पॉलिटिक्स में पढ़ के किसी को गलत बोलना, गाली देना ये भी सही नहीं है। गाली देना है तो आप इन सबको दो जो भगौड़े हैं। सारे बिजनेसमैन को एक तरीके का मत समझो। गौतम अडानी की इनकम बढ़ने का एक मेन सोर्स इंडियन स्टॉक मार्केट का ऑल टाइम हाई पे जाना है। जहां 2014 में अडानी इंटरप्राइजेस की शेयर प्राइस 225 रुपए के आसपास थी, वहीं 2021 में अडानी इंटरप्राइजेस की शेयर प्राइस 850 रुपए। जहां 2014 में अडानी पोर्ट की शेयर प्राइस 145 रुपए के आसपास थी, वहीं 2021 में अडानी पोर्ट की शेयर प्राइस 697 रुपीज है। अडानी ट्रांसमिशन की बात करें तो 2015 में अडानी ट्रांसमिशन की प्राइस 27 रुपए थी, वहीं 2021 में अडानी ट्रांसमिशन की प्राइस 760 रुपए हो गई है। अडानी टोटल गैस की बात करें तो जब 2018 में अडानी टोटल गैस NSE में रजिस्टर हुई थी तब इसकी शेयर प्राइस 80 रुपए थी, वहीं 2021 में इसकी शेयर प्राइस 524 रुपए। वैसे ही सेम आपको अडानी ग्रीन के शेयर में भी देखने को मिलेगा। 2018 में अडानी ग्रीन की शेयर प्राइस 29 रुपीज थी, वहीं 2021 में अडानी ग्रीन की शेयर प्राइस 1144 रुपीज है। तो जैसे जैसे अडानी ग्रुप की शेयर की प्राइस बढ़ेगी, वैसे वैसे गौतम अडानी जी की भी इनकम बढ़ती रहेगी, क्योंकि अडानी पोर्ट में 66% स्टेक, अडानी इंटरप्राइजेस में 75% स्टेक, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड में 75% स्टेक और अडानी पावर में 73% स्टेक गौतम अडानी जी के पास है। अब इतना समझाने के बाद भी कुछ लोग नहीं समझे होंगे, अब भी बीजेपी मोदी कर रहे होंगे, तो आपको मैं एक ऐसा एग्जांपल देता हूँ जिससे आप चाह के भी झुठला नहीं सकेंगे। देखो आजकल जो दुनिया भर में बिलियनेयर्स की इनकम बढ़ रही है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है स्टॉक मार्केट। आजकल दुनिया भर के स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके चलते आपने ये देखा होगा कि कैसे इलॉन मस्क सिर्फ एक साल में दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। मुकेश अंबानी वर्ल्ड के टॉप 5th रिचेस्ट बिलियनेयर बन गए थे, पर फिर जैसे ही रिलायंस के शेयर की प्राइस कम हुई वो टॉप 10 पोजीशन से बाहर हो गए थे। इवन वो एशिया के रिचेस्ट पर्सन भी नहीं रहे थे, पर अभी कुछ दिनों पहले वो वापस से एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। तो ये है स्टॉक मार्केट का खेल। कल को अगर अडानी ग्रुप के शेयर की वैल्यू डाउन हो जाएगी तो आपको गौतम अडानी की भी इनकम गिरती हुई दिखेगी। इसे कहते हैं स्टॉक मार्केट की ताकत, और यही समझाने के लिए मैंने इलॉन मस्क और मुकेश अंबानी का एग्जांपल दिया। एक बात और, अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप आराम से स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़िए, समझिए और फिर इन्वेस्ट करिए। गौतम अडानी पे सबसे बड़ा एलिगेशन ये लगता है कि अडानी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। 2014 में इन पे आरोप लगाया गया कि इन्होंने अपना प्लेन मोदी जी को रैली के लिए फ्री में दिया था, जबकि बाद में पता चला कि प्लेन यूज करने के लिए बीजेपी ने ऑलरेडी पेमेंट कर दी थी। उसके बाद 2016-17 में बीजेपी पे आरोप लगा कि बीजेपी ने गौतम अडानी की कंपनी अडानी पोर्ट पे लगे 200 करोड़ के फाइन को वेव ऑफ कर दिया, जबकि बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये एक फेक न्यूज थी। इसके अलावा एक फेक न्यूज अडानी को लेकर ये भी चलाई गई कि किसान बिल पास होने के बाद पंजाब के मोगा डिस्ट्रिक्ट में अडानी ने अपना वेयर हाउस खोल दिया, जबकि रियलिटी ये थी कि वेयर हाउस का कॉन्ट्रैक्ट अडानी को 2005 में ही मिल गया था और 2007 में ही इसकी ऑपरेशन स्टार्ट हो गई थी और उस समय सरकार कांग्रेस की थी। तो देखा जाए अडानी को लेके फेक न्यूज भी बहुत चलाई गई है, पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि अगर गौतम अडानी बीजेपी को सपोर्ट करते भी हैं तो इसमें दिक्कत क्या है। कांग्रेस के टेन्योर में कितने बिजनेसमैन थे जो उन्हें सपोर्ट करते थे। मुकेश अंबानी ने खुद एक बार कांग्रेस के लिए वोट मांगा था, आप खुद देख लीजिए। कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी इज गोइंग हैमर एंड टोंग्स अगेंस्ट अनिल अंबानी ओवर द अलेज्ड करप्शन इन द रफाल डील। नाउ हिज ब्रदर मुकेश अंबानी इज फीचर्ड इन अ वीडियो एंडोर्सिंग कांग्रेस साउथ मुंबई कैंडिडेट मिलिंद दियोरा। मिलिंद इज द मैन फॉर साउथ मुंबई। मिलिंद ट्रूली रिप्रेजेंट्स मुंबई का कनेक्शन। मतलब अगर बिजनेसमैन कांग्रेस या किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट करे तो ठीक है, बीजेपी को करे तो गलत है। देखा जाए तो इस समय अडानी ग्रुप पे लगभग 30 बिलियन डॉलर का डेट है, जिसमें से 7.8 बिलियन डॉलर बॉन्ड के रूप में, 22.3 बिलियन डॉलर लोन के फॉर्म में। और जो लोन अडानी को मिले हैं उसमें से सबसे ज्यादा लोन कांग्रेस के टेन्योर में मिले, जैसे कि मुंद्रा पोर्ट के लिए 2 बिलियन डॉलर लोन, अडानी पावर राजस्थान के लिए 2.4 बिलियन डॉलर लोन, अडानी पावर के लिए 1.5 बिलियन डॉलर का लोन। बीजेपी के टेन्योर में आप देख सकते हैं कि बॉन्ड की वैल्यू बढ़ी है, बॉन्ड कंपनी यूज करती है जिससे वो मार्केट से पैसा उठा सके। तो यहाँ पे भारत सरकार को अडानी के 22.3 बिलियन डॉलर लोन पे फोकस करना होगा। ऐसा नहीं है कि अडानी अपने कर्ज को कम करने के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं, पिछले एक दो साल से अडानी अपनी कंपनी के स्टेक को सेल कर रहे हैं जिससे वो कैपिटल जनरेट कर सके और अपने डेट को कम कर सके। जैसे कि फ्रेंच ऑयल एंड एनर्जी ग्रुप कंपनी टोटल के साथ 2.5 बिलियन डॉलर की डील साइन की है। इस डील के तहत गौतम अडानी अडानी ग्रीन के 20% स्टेक बेच रहे हैं। इसके अलावा इटालियन गैस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप SNAM के साथ भी कोलैबोरेशन की बात सुनने में आ रही है। इसके अलावा फ्यूचर में आपको गौतम अडानी अपनी कंपनीज के बहुत से स्टेक्स सेल करते हुए नजर आएंगे जिससे वो अडानी ग्रुप के कर्ज को और कम कर सके।
फ्यूचर की बात करें तो गौतम अडानी जी की इनकम फ्यूचर में और बढ़ेगी, क्योंकि अडानी ग्रुप के पास बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि अडानी पावर भारत में 5 जगह झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक में पावर प्लांट बनाने वाला है, जिससे 7000 मेगावाट पावर जनरेट होंगी। इसके अलावा अडानी ग्रीन कंपनी को जून 2020 में 8 गीगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट भी मिल चुका है। इसके अलावा फ्यूचर में गौतम अडानी अपनी कंपनी से कुछ स्टेक्स भी बेचते हुए नजर आएंगे, जिससे उनकी इनकम और बढ़ेगी। फ्यूचर में स्टॉक मार्केट में अडानी ग्रुप के शेयर की प्राइस और बढ़ती हुई नजर आएगी, जिसके चलते गौतम अडानी जी की इनकम और बढ़ती हुई दिखेगी। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि गौतम अडानी जी की इनकम बढ़ने के पीछे कौन कौन से सोर्सेस हैं। दोस्तों, अगर आपको मुकेश अंबानी जी की इनकम के बारे में जानना है तो मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया है, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।